प्रभु प्रसाद चैनल में सभी भाई बहनों का स्वागत है। आज स्वीट बूंदी बनाएंगे। स्वीट बूंदी बनाने के लिए जो सामग्री चाहिए, एक ग्लास एक पाव बेसन, 1.5 पाव, 1.5 पाव चीनी, 1 tlne ke liye tel, काजू, 1 kishmish, फूड कलर रेड कलर लिया है, इलायची पाउडर, बड़ी इलायची थोड़ा कूट के लिया है, अभी एक बर्तन में चीनी डाल रही हूँ, 1.5 ग्लास चीनी, उसी ग्लास में वो एक 80% जितना पानी डाल रही हूँ। ये गैस पर रख करके इसको बॉयल होने देंगे। वो बॉयल होने तक आटा बना लेंगे। एक बर्तन में बेसन डाल रही हूँ, कटोरी में 1 स्पून फूड कलर, उसको पानी डाल के फूड कलर को पानी डाल के मिक्स कर लेंगे। 1/4 स्पून बेसन में डाल रही हूँ, अभी पानी डाल के आटा मिक्स कर लेंगे। गुठलियाँ नहीं रहना चाहिए, ऐसा एक ही सर्कल में करने से, एक ही साइड करने से गुठलियाँ नहीं बनता है, बहुत अच्छा आटा बन जाएगा। चाशनी बन गया है, देखिए ऐसा, मैं हाथ भी डाल के दिखाती हूँ, हाथ से भी देखिए ऐसा। इसमें थोड़ा सा 1/4 बूंद नींबू डाल रही हूँ, नींबू का रस 1/4 बूंद डालेंगे। फूड कलर डाल रही हूँ, देखिए चाशनी कितना अच्छा बन गया है। इसको एक बर्तन में फिल्टर कर लेंगे। अभी आटा भी बन गया है, अभी इसको तलेंगे। देखिए गैस पर तेल रखी हूँ, तेल गरम होने के बाद इसमें आटा डाल रही हूँ। देखिए एक कटोरी के सहायता से इसको ऐसा घुमाएंगे, गोल गोल बूंदी बन जाएगा। देखिए कितना सुंदर गोल गोल बूंदी बना है। इसको ऐसा मिक्स कर लेंगे, देखिए ऐसा आवाज आना चाहिए पट करके। अभी बूंदी तल गया है, अभी इसको निकाल देंगे। निकाल के फौरन चाशनी में डालेंगे, इसको मिक्स कर लेंगे। और एक बार मैं दिखाती हूँ, देखिए ऐसे छन्नी में डाल के एक कटोरी के सहायता से ऐसा करने से गोल गोल बूंदी बन जाएगा। देखिए कितना गोल गोल बूंदी, सुंदर बूंदी बना है। ये ऑरेंज कलर बूंदी बनेगा, देखिए ऐसा करने से पट करके साउंड आना चाहिए, तब ये बूंदी पक गया है। अभी इसको भी निकाल के उसी चाशनी में डालेंगे, और जो भी आटा बचा है उसको भी बना लेंगे। देखिए ये
इसको भी मिक्स करेंगे। जो भी आटा बचा है उसको भी ऐसे ही बना लेंगे। अभी ड्राई फ्रूट को तल लेंगे। एक कढ़ाई में घी डाल रही हूँ, जो निकाल के रखा था ना ड्राई फ्रूट। काजू डाल रही हूँ, काजू थोड़ा तलने के बाद देखिए किशमिश भी डाल रही हूँ। बड़ी इलायची जो कूट के रखा था ना, बड़ी इलायची छोटी इलायची दोनों डाल रही हूँ। अभी ये तला हुआ बूंदी में डाल रही हूँ। देखिए कितना सुंदर बूंदी तैयार हुआ है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बूंदी तलने के बाद 2 घंटा रखने से वो सारा चाशनी अब्जर्व कर देगा। अभी इसको सर्विंग बाउल में निकाल रही हूँ। देखिए गोल गोल बूंदी, सुंदर बूंदी, स्वीट बूंदी रेडी हो गया है। देखिए कितना शाइनिंग शाइनिंग बूंदी, सॉफ्ट बूंदी, स्वीट बूंदी बना है। यह बूंदी 8-10 दिन के लिए बाहर रख सकते हैं, फ्रिज में 1 महीना भी रख करके सर्व कर सकते हैं। स्वीट बूंदी रेडी।